मधुबनी जिले में नाला निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया है। गुस्साए लोगों ने निर्माण कार्य को रोक दिया है। लोगों का कहना है कि जब तक जांच नहीं होगी तब तक काम को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। लोगों के मुताबिक नाला निर्माण के वो खिलाफ नहीं है, लेकिन इस नाले का लाइफ कुछ महीने ही रहेगा, उसके बाद फिर परेशान उन्हीं लोगों को होना है, इसलिए ऐसा निर्माण उन्हें मंजूर नहीं है। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के सुठ गांव पंचायत की वार्ड संख्या 3 का ये मामला है। लोगों के मुताबिक निर्माण में घटिया बालू और ईंट का उपयोग किया जा रहा है। लोगों ने बताया कि कोई भी कार्य कराने के लिए जहां सबसे पहले सूचना पट का होना अति आवश्यक है, लेकिन नाला निर्माण कार्य को लेकर पंचायत की मुखिया उषा देवी द्वारा किसी भी प्रकार का सूचना पट नहीं लगाया गया। नाला निर्माण में कमीशन का खेल चल रहा है। क्या मामला है, क्यों आप लोग काम रुकवा दिया? नाला यहाँ पे बन रहा था, 2 नंबर का ईंटा लाया है, 3 नंबर का ईंटा हाथ को छूने से फूट रहा है। ऐसे नाला से कितना दिन नाला बनेगा? तो क्या करिएगा आप लोग इसके लिए? प्रशासन या किसी पदाधिकारी को लिख दिया बोले है तो वो वीडियो को तो बोले है कि हमको लिख के दीजिए तब हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। अगर यहाँ 2 नंबर ईंटा का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ठेकेदार के ऊपर अगर आप उसको बोले है तो वो बोल रहा है कि हाँ करवा रहे 10 दिन हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ है, 10 दिन में इतना ही काम हो रहा है। आपका क्या नाम? गोपाल यादव। ईंटा का क्वालिटी देखिए कैसा है, ईंटा का क्वालिटी कैसा है, देखिए फूट रहा है, पूरा ईंटा फूट रहा है। तो क्या ये यहाँ के जो ठेकेदार कौन किसके द्वारा काम किया जा रहा है? धनिक लाल के द्वारा। तो क्या आप लोग से मांग क्या है? हम लोग से मांग है 1 नंबर ईटा से बना अच्छा और अच्छा काम होना चाहिए। कितना दिनों से काम रुका हुआ? लगभग 10 दिनों से रुका हुआ है। पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा है जाने आने में। ग्रामीण राजेश कुमार यादव ने बताया कि नाला निर्माण सड़क के किनारे होना चाहिए था, लेकिन आरओ विभाग से बने हुए सड़क को तोड़कर नाला का निर्माण हो रहा है, वो भी घटिया तरीके से। ऐसे में नाले के साथ ही सड़क भी डैमेज हो जाएगा, फिर वो चलेंगे कहाँ? राजेश बताते हैं कि मुखिया के सामने विरोध किया गया था, प्रखंड के अधिकारियों को भी सूचना दी गई थी, लेकिन कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि इस मामले में एक्शन लेने को तैयार नहीं है। क्या गया है काम? यहाँ पर लो क्वालिटी का टेबल आया है, नकली टेबल है, 2 नंबर था, इसलिए अगर ज्यादा बोल रहे हैं काम नहीं होगा, ठीक से टेबल नहीं ला रहा है, 1 नंबर का टेबल। किसके द्वारा ये काम किया जा रहा है? निकलाल के द्वारा, निकलाल यहाँ का ठेकेदार है। ये नाला जो है कब से बनना स्टार्ट हुआ था? 22 मार्च से बन रहा है, अभी तक नहीं बना है। क्यों अभी तक यहाँ पर ठीक से कोराई भी नहीं हुआ है? पंचायत में दूसरे विकास कार्यों में जमकर कमीशनखोरी का आरोप लगता रहा है। दुखद बात यह है कि अधिकारी भी इनमें कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो पूरी तरह इन कामों में मुखिया या दूसरे पंचायत प्रतिनिधियों पर निर्भर रहते हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। वहीं लोगों का कहना है कि पंचायत में होने वाले विकास कार्यों में सिर्फ जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि अधिकारी का भी कमीशन बंधा होता है, इसी वजह से अधिकारी भी सभी शिकायतों पर कभी गंभीर नहीं होते हैं। मधुबनी से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।